हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मशरूम का स्टफ्ड मशरूम बना के दिखाऊंगी। और आप सबको तो पता है कि मशरूम के कितने फायदे होते हैं। इसमें फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होता है और इसमें जो विटामिन ई होते हैं वो इसमें बहुत ही यूजफुल बेनिफिशियल होता है। और इसमें ये जो मशरूम है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसे सिलेनियम कहते हैं। और ये लो कार्ब लो फैट मतलब सारे गुण इसमें हैं। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें तो मशरूम जरूर खाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बड़ा इजी सा क्विक सा रेसिपी आज स्टफ्ड मशरूम का बना के दिखा रही हूँ। मशरूम स्टफ बनाने के लिए मैंने ये बटन मशरूम लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका मेरे अंदर का स्टफिंग जो ये वाला पोर्शन है इसको निकाल के इसका स्टफिंग इसके अंदर भराएगा। तो हमें इसको हल्का सा तोड़ के और थोड़ा सा इसके अंदर स्कूप आपको करना है। क्योंकि आप तो स्कूप नहीं करेंगे तो आपका स्टफिंग इसके अंदर जाएगा नहीं। और जो ये पोर्शन निकला है इसको आप किसी भी वेजिटेबल या कोई सब्जी बनाने में भी डाल सकते हैं। इस तरह से एक एक करके मैं सारा अपना मशरूम को अंदर से स्कूप कर रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा जितना ये इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा और इसको स्कूप कर ले। इस तरह से आपको भी सारे मशरूम को स्कूप करना है जैसे मैं आपको दिखाई हूँ। अब मैं आपको इसका फिलिंग दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया है चीज क्यूब, अमूल का चीज क्यूब लिया है। तो इसको हमें ग्रेट करना है। तो मैंने दो चीज क्यूब लिया है। इसमें आप क्यूब डालोगे उसका ही टेस्ट अच्छा आएगा क्योंकि चीज तो बहुत तरह के होते हैं, पार्मेसान चीज, चेडा चीज। तो आपको ये लेकिन क्यूब वाला डालना है इसमें। अब इसको ग्रेट करना है। चीज में क्योंकि सॉल्ट डले होते हैं तो मैं थोड़ा ही सा सॉल्ट डालूंगी इसमें। और ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ये थोड़ा अच्छे से आप डाल देना। थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और थोड़ा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। आपको पता है चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालने से ये थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है क्योंकि आजकल ये फैशन में भी है और इसका लुक भी अच्छा आता है। अब इस सारे बैटर को मैं थोड़ा सा मिल्क से इसको थोड़ा पतला करूंगी तो ये एक बैटर सा बन जाएगा। और इसको आपको अच्छे से मैश करना है। मिल्क आपको अंदाज से ही डालना है जिसमें कि आपका एक बैटर सा बन जाए। अब आप बैटर का कंसिस्टेंसी देख लो, इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब मैं सारे मशरूम को इसमें फिल कर रही हूँ। अगर आपका बैटर बनाते समय कम हो जाए तो आप थोड़ा और बना लेना। मशरूम ये मैंने सारा स्टफ कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप चीज और ग्रेट कर दोगे तो ये बनने के बाद और अच्छा सुंदर लगता है। ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो और डाल भी सकते हो। थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल दूंगी तो इससे ऊपर से ये सुंदर लगेगा। मेन क्या था, आपको प्रेजेंटेशन में दिखना है, दिखने में भी सुंदर होना चाहिए हर कुछ। अब हमें इसे ओटीजी में इसको बेक करना है। तो इसको मैंने इसका ओटीजी का ट्रे लेके इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं सजा दूंगी। अब
सफेद ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और इसमें मैं अपना ट्रे को डाल रही हूँ। अब इसे 10 मिनट तक मुझे इसमें बेक करना है और जब बेक हो जाएगा तब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब इसको मैं बेक करते हुए 10 मिनट हो गया है, आपको बस देखना है कि ऊपर से थोड़ा रेडिश हो जाएगा तभी इसका मतलब ये बेक हो गया है। अब इसको मैं ट्रे से निकाल के इसका प्लेटिंग करूंगी। तो आपने देखा ये मशरूम का कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग लग रहा है और ऐसे लग रहा है इसे झट से खा ले। मुझे तो बड़ा क्रेविंग सा हो रहा है कि मैं इसे झट से एक उठा के खा लूँ। तो आप भी अपने घर में मशरूम स्टफ मशरूम बनाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं मशरूम खाना। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। जो लोग मशरूम नहीं खाते उन्हें भी, मुझे तो लगता है कि उन्हें भी ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सारा कुछ आप बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो सबके पास मेरा ये वीडियो पहुँच जाएगा, तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि कैसे बनता है मशरूम स्टफ। ये मशरूम देख के तो मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है, मुझे तो बड़ा क्रेविंग हो रहा है। तो मैं खा के आपको बताती हूँ कि ये कैसा इसका टेस्ट है। इतना अच्छा टेस्ट है कि आप जरूर इसे मुझे रिलिश करके खाओगे और मुझे थैंक यू कहोगे इस रेसिपी के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।